Assalamualaikum K3, welcome to our lecture number 2 of second term. उर्दू का आज लेक्चर हमने देना है. प्रीवियस लेक्चर में हमने बासकरदानी की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी. आज हम इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क करेंगे, जो कि आपके सफ़ा नंबर बुक के सफ़ा नंबर 31, 32, 33 और 34 पर है. श्री क्लास, आपके बुक के पेज नंबर 31 पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सबक से नए अल्फाज चुनकर उन अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखिए. आपका श्री क्लास, आपका सबसे पहले नए अल्फाज में आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं. नंबर 1 में आपने लिखना है, आपको पहले से करके दिखाया गया है ताकि आप अपनी बुक पर अच्छे तरीके से काम करें. आपका सबसे फर्स्ट वर्ड है असूल, जिसका मायने है तरीका. दूसरा वर्ड है मुकर्रर, जिसका मायने है दोबारा. तीसरा है सजावट, जिसका मतलब है सजधज. चौथा लफ्ज़ है कारामत, जिसका मायने है काम के मुकाबिल. पांचवा है मुख्तसर, जिसका मायने है कम. छठा है हिफ्ज़ान सेहत, जिसका मायने है सेहत कायम रखना. थ्री क्लास, आपका दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए अल्फाज की मदद से नए अल्फाज बनाइए. आपको ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं. आपने जैसा कि पर, दर और खर, अब इनको आगे आपने कुछ अल्फाज जोड़कर नए अल्फाज बनाने हैं. जैसा कि पर आपको करके दिखाया गया है, पर से उन्होंने वर्ड बनाया है पर्दा, पुराना, परी और परेशान. इसी तरह आपने दर और खर दोनों से नए अल्फाज बनाने हैं. यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स आपको करके दिखाए हैं, आपने इसी तरह के वर्ड्स बनाने हैं. अगर आपको और कोई वर्ड्स आते हैं आप वो भी बना सकते हैं. दर से दर्द, दरख्त, दरवाज़ा, दरिया. इसी तरह खर से खराब, खराश, खरबूजा, खरगोश. दोनों हिस्सों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए. आपको एक वर्ड के दो दो हिस्से दिए गए हैं, जैसे जोड़ तोड़ होते हैं उनमें अलग अलग वर्ड्स दिए होते हैं. यहाँ पर दो वर्ड्स के दो हिस्से करके आपको दिए गए हैं. आपने इन दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर एक वर्ड बनाना है, जैसा कि आपके लिए किया गया है. खाल प्लस छोटी है खाली. इसी तरह इस्तेमाल, चीज़ें, रंगीन, खूबसूरत, गंदगी, जितनी, पिघली, फेंक, ये सब के सब अल्फाज जोड़कर आपने लिखने हैं. थ्री क्लास, आपके सफ़ा नंबर 32 पर आपका सबसे पहला सवाल है, अल्फाज के हरूफ अलग करें. आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इसके आपने हरूफ अलग करके लिखने हैं. थ्री क्लास, ये अल्फाज किन आवाज़ों के लिए बोले जाते हैं? आपको नीचे अल्फाज दिए गए हैं, जैसा कि खटाक पटाक, छुक छुक, खट खट, शाएं शाएं, टिप टिप और सपड़ सपड़. ये वो अल्फाज हैं जो किसी ना किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर उनकी आवाज़ को जाहिर करते हैं. अब आपने आगे उन चीज़ों का नाम लिखना है जिनके लिए ये इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि खटाक पटाक चीज़ें रखने की आवाज़ है, छुक छुक रेल के चलने की आवाज़ है, खट खट दरवाज़ा बजाने की आवाज़ है, शाएं शाएं हवा चलने की आवाज़ है, टिप टिप पानी गिरने की आवाज़ है और सपड़ सपड़ पाँव घसीट कर चलने की आवाज़ को कहते हैं. थ्री क्लास, अल्फाज के आखिर से अलिफ हटाकर छोटी है और बड़ी है लगा कर लिखनी है. अपना, बुरा, पुराना और अच्छा. अब यहाँ पर अलिफ हटाकर आपने छोटिए और बड़िए का इजाफा करना है, जैसा कि आपकी किताब पर किया हुआ है. अपना, अपनी और अपने. बुरा, बुरी, बुरे. पुराना, पुरानी, पुराने. अच्छा, अच्छी और अच्छे. थ्री क्लास, सफ़ा नंबर 33 पर आपको वाहिद के जमा लिखने हैं, अखबार, अखबारात, बाग, बागात, आदत, आदात, कागज़, कागजात. थ्री क्लास, ये अल्फाज की ज़िद लिखी है. अल्फाज ज़िद, देर, जल्दी. अल्फाज ज़िद का मतलब उल्ट अल्फाज होता है. आपने इसके उल्ट अल्फाज लिखने हैं जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं. देर, जल्दी. बनाना, बिगाड़ना. कारामत, नाकारा. मुमकिन, नामुमकिन. खराब, सही. आलूदगी और सफाई. थ्री क्लास, आपको खाली बोतल से गुलदान बनाने की तरकीब लिखनी है. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं.
बोतल को धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और साफ कपड़े से खुश्क कर लें। फिल इन द ब्लैंक में आप राइट करेंगे साफ। बोतल के चारों तरफ रंगीन कागज लपेटें या बोतल पर पानी वाले रंगों से रंग भर दें। बोतल में छोटे छोटे रंगीन पत्थर भी डाल सकते हैं आप। आपका गुलदान तैयार है, अब इसमें खूबसूरत फूल सजाएं। थ्री क्लास, अब आपके पास है तस्वीर की मदद से जुमले बनानी है आपने। कूड़ा डैश पर मत फेंको, सड़क पर कूड़ा डैश में डालो, कूड़ेदान में डालो। सना डब्बे से गुड़िया का घर बना रही है, घर आएगा खाली जगह में। सबा बोतल से गुलदान बना रही है। थ्री क्लास, यहाँ पर आपका बुक वर्क कम्प्लीट हो गया है, अब हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। थ्री क्लास, अपनी नोटबुक्स ओपन करें। आपने उर्दू की नोटबुक पर अपनी राइट साइड पर डबल मार्जिन लाइन लगानी है। अपनी सबसे पहले लाइन पर तारीख और दिन का नाम लिखना है, जमात का काम लिखना है। नीचे आप सबक नंबर 5 लिखेंगे, उसके बाद सबक का नाम बाजगदानी लिखेंगे, उसके बाद आपने सवाल और जवाब लिखना है। सवाल नंबर 1 है आपका, सबा के घर में खटाक पटाक की आवाज़ें क्यों आ रही थीं? जवाब है 3 क्लास, जवाब है आपका, सबा इस्तेमाल शुदा चीज़ों से नई चीज़ें बनाने के लिए पुरानी चीज़ें तलाश कर रही थी, इसलिए खटाक पटाक की आवाज़ें आ रही थीं। सवाल नंबर 2 है 3 क्लास, हम आलूदगी फैलाने वाले कूड़ा क्रिकेट को किस तरह कम कर सकते हैं? आपका जवाब है, हम चीज़ों का मुख्तसर इस्तेमाल करके और बाज़गर्दानी करके आलूदगी फैलाने वाले कूड़े को कम कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका, बाज़गर्दानी किसे कहते हैं? जवाब है, इस्तेमाल शुदा चीज़ों और कूड़ा क्रिकेट को कारखानों और मिलों को दे दिया जाता है, जहां इनको पिघला कर इनसे दोबारा कार आमद चीज़ें बनाई जाती हैं। इस काम को बाज़गर्दानी कहते हैं। आपका अगला सवाल है 3 क्लास, आपने जुमले बनाने हैं। नीचे आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके आप जुमले बनाएंगे। जुमले बनाने का तरीका ये है, आपने पहले लाइन में लफ्ज़ जिसका जुमला बनाना है वो लिखना है, और उसे अगली लाइन में एक लाइन छोड़ने के बाद उसका जुमला बनाना है। आपका सबसे पहला लफ्ज़ है इस्तेमाल शुदा। दूसरा लफ्ज़ है पिघलाना। तीसरा लफ्ज़ है कलमदान। चौथा है गुलदान। हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है, कॉपी वर्क भी उर्दू 1 का। अब हम उर्दू 2 का काम करेंगे, जो कि आपकी किताब कायदो इंशा में है। आज हमने जुमला, उसकी किस्में और जुमले बनाना का काम करना है। बुक वर्क है हमारा, सफ़ा पेज नंबर है हमारा बुक का 22 से लेकर 27 तक, तमाम पेजेस आज हमने करने हैं। 3 क्लास, ये आपकी 3री जमात की उर्दू कायदो इंशा की किताब है, जिसका काम हमने करना है। 3 क्लास, ये आपका सफ़ा नंबर 22 और 23 है। आज हमने पढ़ना है जुमला, उसकी किस्में और जुमला बनाना। 3 क्लास, हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ बनते हैं, मसलन के ते अलिफ बे को मिलाएं तो लफ्ज़ किताब बनता है। लफ्ज़ की जमा अल्फाज होती है, अल्फाज को मिलाएं तो जुमला बनता है, मसलन हम पढ़ रहे हैं को मिलाएं तो ये जुमला बनता है, हम पढ़ रहे हैं। ये 4 अल्फाज हैं, हम पढ़ रहे हैं, इन चारों को मिलाया तो एक जुमला बन गया, हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह 3 क्लास, जिस जुमले में किसी काम को करना या होना पाया जाए इसे मस्बत जुमला कहते हैं। मसलन ये मस्बत जुमले हैं, वो पढ़ रहा है, वो काम कर चुका है।
जिस जुमले में किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए इसे मनफी जुमला कहते हैं। मस्तमनी ये मनफी जुमला है कि वो नहीं पढ़ रहा, इसने काम नहीं किया। प्री क्लास इसी तरह जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए इसे सवालिया जुमला कहते हैं। मसलन ये सवालिया जुमला है कि क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो काम कर चुका है। जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है वो सवालिया जुमला कहलाता है। इसी सफ़े पे आपको थ्री क्लास कुछ जुमले दिए गए हैं, बनाकर दिखाए गए हैं पांच जुमले। इस्लाम उसका जुमला बनाया है, हमारा दीन इस्लाम है। इस्लामी पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। भलाई हर एक के साथ भलाई करने की कोशिश करो। बुराई किसी से भी बुराई ना करो। इसी तरह पेज नंबर 23 पर भी आपको कुछ अल्फाज से जुमले बनाना सिखाया गया है। जैसे अफ्तार उसका जुमला बनाया है, मगरिब की अजान हो गई है, रोज़ा अफ्तार कर लो। इसी तरह अचानक का जुमला बनाया गया है, अचानक गिलास गिरा और टूट गया। पिंजरा का जुमला है, पिंजरा खोलो और परिंदे को उड़ा दो। तरक्की का जुमला है, मेहनत करके तरक्की करने की कोशिश करो। आपको सफ़ा नंबर 23 पे जुमले दिए गए हैं, इन्हें आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और जुमले बनाना सीखना है। थ्री क्लास इसी तरह सफ़ा नंबर 23 की तरह 24 और 25 पर भी आपको जुमले दिए गए हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको जुमले बनाने आ जाएँ। थ्री क्लास ये आपका सफ़ा नंबर 26 और 27 है, इसमें आपको जगह दी गई है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसके आगे स्पेस दी गई है जिसमें आपने अल्फाज जुमले बनाने हैं। सफ़ा नंबर 26 पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने जुमले सीधे बनाने हैं, जबकि सफ़ा नंबर 27 पे आपको अल्फाज मायने और जुमले दिए गए हैं। आपने उन अल्फाज के पहले मायने लिखने हैं और फिर उन्हीं अल्फाज के आपने जुमले भी बनाने हैं। सफ़ा नंबर 26 पर थ्री क्लास आपको मैंने तीन जुमले बना के दिखाए हैं, बाकी तमाम जुमले आपने खुद करने हैं, ये आपका होम टास्क होगा। सबसे पहला लफ्ज़ था आपका हमदर्दी, उसका जुमला है हमें दूसरों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। दूसरा है आपका अफ्तार, मगरिब का वक्त हो गया है, रोज़ा अफ्तार कर लो। तीसरा है आपका लफ्ज़ मगरिब, मगरिब की नमाज पढ़ लो। ये आपके जुमले हैं, बाकी जुमले आपने खुद बनाने हैं। थ्री क्लास सफ़ा नंबर 27 पर आपको अल्फाज मायने और जुमले दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज के पहले मायने लिखने हैं और फिर इन्हीं अल्फाज के आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपका पहला लफ्ज़ है मुशक्कत, उसके मायने हैं मेहनत और आपने उसका जुमला बनाया है किसान खेतों में मुशक्कत करता है। दूसरा लफ्ज़ है आपका हरारत, आपने उसका मायने लिखा है गर्मी और साथ ही आपने उसका जुमला बनाया है सूरज से हमें हरारत मिलती है। बाकी तमाम अल्फाज के मायने और जुमले आपने खुद बनाने हैं, ये आपका होम टास्क है। शुक्रिया थ्री क्लास, अल्लाह हाफिज़।